आज़ादी के अमृत महोत्सव में चूंकि जबलपुर झंडा सत्याग्रह का केंद्र बिंदु रहा है और जो चार परिवार थे वो उसमें एक दमोह में रहते हैं और बाकी लोग बाकी परिवार यहाँ पर रहते हैं, तो ये तय हुआ है कि जो अमृत महोत्सव के सप्ताह का दिन है 18 जून वो जबलपुर में भव्यता के साथ मनाया जाए उसी टाउन हॉल में जहाँ पर पहली बार किसी शासकीय भवन में प्रतंत्र भारत में ध्वजारोहण हुआ था। और हम सब इस मामले में सौभाग्यशाली हैं, हमारे सभी जनप्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं और मैं सबने सहमति भी दी है कि उस कार्यक्रम में सभी एकजुटता के साथ में शामिल होकर उसको दिव्यता प्रदान करेंगे। दूसरा कार्यक्रम है 21 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का, क्योंकि भेड़ाघाट और लमेटा घाट यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में आए हैं, तो इस बार का जो योग का कार्यक्रम देशभर में 75 स्थानों पर होना है उसमें से 21 जो लाइव पॉइंट हैं उसमें भेड़ाघाट भी है। मेरा आग्रह है कि जो हमारी संस्थाएं यहाँ पर योग के लिए काम करती हैं वो वहाँ उपस्थित रहेंगी, साथ में जनप्रतिनिधि भी वहाँ पर उपस्थित रहें और हम एक ताकतवर उपस्थिति भेड़ाघाट और नर्मदा के साथ योग की प्रस्तुत करें, ये हमारी बड़ी सफलता हो। उनका बयान बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं इसे राजनीति नहीं मानता, मैं इसे षड्यंत्र मानता हूँ। हमारी कही हुई कोई भी बात से अगर दुश्मन देश को लाभ मिलता है तो इससे ज़्यादा जीवन में धिक्कार करने वाली कोई दूसरी बात होती नहीं है। हम राजनीति करें, पाक अधिकृत कश्मीर हमारा अभी हमारे पास हमको वापस लेना बाकी है, तो धारा 370 का हटना ये देश के लिए शुभ संकेत है, इस पर कभी उंगली नहीं उठनी चाहिए।